भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी प्योर ईवी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा गया है ईट्रिस्ट 350। यह कंपनी की मेक इन इंडिया पॉलिसी का हिस्सा है। कंपनी की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल भी है और इस बाइक को हैदराबाद के प्लांट में डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। इस इलेक्ट्रिक बाइक की एक शोरूम कीमत 1,54,999 रुपीज़ रखी गई है। फिलहाल इस इलेक्ट्रिक बाइक को मेट्रो सिटी टीयर वन सिटी में बेचा जाएगा। बाद में कंपनी देश भर में 100 डीलरशिप पर अवेलेबल कराएगी। इसके और अगर हम जानकारी लें तो ईट्रिस्ट 350 कंप्लीट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वही फुल चार्ज होने के बाद यह 140 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। इसमें 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया हुआ है जो AIS 156 के हिसाब से तैयार किया गया है। यह भारत में मिलने वाली प्रीमियम ICE मोटरसाइकिल के बराबर पावर और टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है। प्योर ईवी द्वारा बैटरी को इन हाउस भी तैयार किया गया है। इसे सभी तरह की सड़कों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कंपनी का मानना है कि यह 150cc की मोटरसाइकिल से सीधा मुकाबला कर पाएगी। प्योर ईवी बाइक की बैटरी पर 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी मिल रही है। कंपनी अपनी इस स्टाइलिश और पावरफुल बाइक से युवा जनरेशन को टारगेट करना चाहती है। इस इलेक्ट्रिक बाइक में इकोनॉमिकल और हाई परफॉर्मेंस मोड दिए हुए हैं जिससे ट्रैवल को अपने हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 3 कलर ऑप्शन, रेड, ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। तो कीमत के हिसाब से आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के नए ऑटोमोबाइल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।